नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूज एस पे। तो हम लोग कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके UPTGT याद रखिएगा, और याद रखिएगा UPPGT और CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो आप दिए गए नीचे नंबर में कांटेक्ट करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आपको फुल फ्लेज तैयारी लाइव सेशन रिकॉर्डेड और आपको लगातार जो है मैराथन सेशन मिलेगा जैसे ही आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, और आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा और गाइड भी किया जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे कोर्स को बैच को ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो है आपके कौन कहा जाता है कि आपके फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के? तो याद रखिएगा जेम किन्स को जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? जेम किन्स को। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड पिछली बार आपकी UPPGT में क्वेश्चन आया था, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी है? तो याद रखिएगा ये आपकी थ्योरी जो है प्रोफेसर जेम किन्स की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट गिवन बाय, किसके द्वारा ये दिया गया है? तो याद रखिएगा रैगनर फिर्श के द्वारा ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा दिया गया था? रैगनर फिर्श के द्वारा दिया गया था। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किस ईयर जो है आपका पब्लिश हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका 1936 में, 1936 में आपका पब्लिश हुआ था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट हमारा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम पॉपुलर आफ्टर, कब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 और 33 के आसपास आया था, उस वर्ष के बाद जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म मैक्रो हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव हुआ है आपका टर्म मैक्रो? तो यहाँ पर ऑप्शन याद रखिएगा ए करेक्ट है, ये आपके ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मैक्रोस। ठीक है, उसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। ओके, नेक्स्ट हमारा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब डी में क्या क्या चीज़ें हैं? द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इको ग्रोथ ये भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गुड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या आपका गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? तो याद रखिएगा सारा गोल है, जैसे अचीव हाई लेवल ऑफ GDP ये हमें अचीव करना है, ये भी गोल है आपका। टू अचीव हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल है। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विच आर द टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा आपका टूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारे जो है आपके टूल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी ये किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके RBI के द्वारा, जबकि आपके फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ ग्रुप एंड बोर्ड एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका? तो याद रखिएगा इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेगा। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।